इंडिया बेस्ट डांसर के सैटरडे स्पेशल के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, तो कुल 6 परफॉर्मेंस आज के डेट में हुए थे। और उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि अभी जितने भी कंटेस्टेंट परफॉर्म करने वाले हैं, जजेस उन्हें अपना स्कोर देने वाले हैं, और 3 एपिसोड लगातार होने के बाद में पहला एलिमिनेशन होने वाला है। तो जजेस के स्कोर के आधार पर कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को देखने के बाद में यह एलिमिनेशन होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहले परफॉर्मेंस की। तो पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आकाश और तुषार आते हैं, जिन्होंने की देसी बॉयज के ऊपर में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, और इनके परफॉर्मेंस से गीता माँ थोड़ी सी नाखुश हुई थी। बावजूद उसके अगर स्कोर की बात अगर की जाए तो इन्हें कुल 25 स्कोर मिले हैं, जिसमें गीता माँ ने 9 नंबर दिए हैं, मलिका जी 8 और टेरेंस सर ने भी 8 मार्क्स दिए हैं। तो कुल 25 मार्क्स इन्हें मिले हैं। दूसरे परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर रक्तिम और आर्यन परफॉर्म करने के लिए आए थे, जिन्होंने कि नीले नीले अंबर इस गाने के ऊपर में जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाया, और इनके परफॉर्मेंस को भी कुल 28 स्कोर मिले हैं, जिसमें गीता माँ ने और मल्लिका जी ने 9 नंबर्स दिए हैं। वहीं तुषार सर ने पूरे के पूरे 10 अंक दिए हैं। इनको मिलाकर इनका कुल स्कोर 28 हुआ है। तीसरे परफॉर्मर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कांची सा और पॉल आती हैं, और इन्होंने एक यूनिक परफॉर्मेंस दिखाया है, और इनके टॉपिक और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हमारे तीनों जजेस काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं, और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में इन्हें कुल 30 स्कोर मिले हैं, जिसमें कि हमारे तीनों जजेस ने 10-10-10 का अंक दिया है इन्हें, और इनका परफॉर्मेंस जो था बेस्ट परफॉर्मेंस कहलाया था। चौथे परफॉर्मर की अगर बात करूं तो चौथे परफॉर्मर दिखाने के लिए दिव्य दास और पंकज थापा आते हैं, जिन्होंने कि टूटा टूटा एक परिंदा इस गाने के ऊपर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया, और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में टेरेंस सर तो रो पड़े, और साथ ही साथ उनके साथ में हमारे बाकी दो जजेस भी उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। और जहां तक स्कोर की बात करें तो इन तीनों ने मिलकर इन्हें 30 का स्कोर दिया है, मतलब तीनों जजेस ने 10-10-10 का मार्क्स इन्हें दिया है। बात करते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की, तो वह अपेक्षा और साध्वी थी, जिन्होंने की फिल्म सिवाय से बोलो हरी 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 इस गाने के ऊपर में नवरस परफॉर्मेंस करके दिखाया, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था दोस्तों इन दोनों का, और इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में भी हमारे जजेस काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। गीता माँ तो इनकी कायल हो गई। बात करें स्कोर की तो इन्हें भी कुल 30 स्कोर मिले हैं, जिसमें से कि हमारे तीनों जजेस ने 10-10-10 का मार्क्स इन्हें दिया है। आखिरी परफॉर्मेंस की अगर बात करूं दोस्तों, तो आखिरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मुस्कान और भावना आती हैं, जिन्होंने के फिल्म कलंक का तुमसे जुदा होकर हम तवा हो गए इस गाने के ऊपर में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया, और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लेकिन बावजूद उसके अगर स्कोर की बात की जाए तो इन्हें कुल 24 मार्क्स मिले हैं, जिसमें कि हमारे तीनों जजेस ने 8-8-8 का मार्क्स दिया है इन्हें। तो इस तरीके से कुल 6 परफॉर्मेंस सैटरडे स्पेशल में हुआ है दोस्तों। और इस तरीके से रिफ्रेश अगर मैं आपको करूं तो आकाश और तुषार को कुल 25 अंक, रक्तिम और आर्यन को कुल 28 मार्क्स, कांचिसा और पॉल को 30 मार्क्स, दिव्य दास और पंकज को 30 मार्क्स, अपेक्षा और साध्वी को भी 30 मार्क्स, और लास्ट मुस्कान और भावना को कुल 24 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से कुल 6 परफॉर्मेंस हुए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि आपको इन 6 में से किनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर लगा, और किसे आप चाहते हैं कि वह बेस्ट का नेक्स्ट अवतार बने, और आपको क्या लगता है, क्या 3 एपिसोड के बाद में इनमें से कोई एक कंटेस्टेंट बाहर हो सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।